चलिए अब कुछ और प्रश्न करते हैं। तो अब हम करेंगे फिर से प्रश्न, मतलब कि क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं एक और प्रश्न। किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, तो यदि हम बात करें कि किसी पदार्थ एक्स का प्रयोग, विलयन का प्रयोग सफेदी करने के लिए होता है, तो चलिए देखें पहले वो पदार्थ है क्या और इसका सूत्र क्या है, और इस पदार्थ में लिखे पदार्थ की एक्स की जल के साथ अभिक्रिया भी लिखनी है। जैसे कि हम पहले समझ ही चुके हैं कि ये पदार्थ चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करके एक बुझा हुआ चूना बनाते हैं, और उस बुझे हुए चूने के विलयन को सफेदी में प्रयोग किया जाता है। ये भी हम समझ चुके हैं कि ये जब हम उसको दीवार पर उसकी एक परत बना देते हैं, तो ये वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना देता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट की जब परत बन जाती है, दीवारों पे एक चमक आ जाती है। तो ये जो पदार्थ है, ये जो पदार्थ एक्स है, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका जो है कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लेते हैं, जब हम इसका पानी के साथ इसकी अभिक्रिया करते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं बिना बुझा चूना, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है बुझा हुआ चूना, और इसमें अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ये काफी गर्म होता है, तो ये ऊष्माक्षेपी क्रिया है, इसमें बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहां पर हमारे पास हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर देता है। तो ये है हमारे पास इस पदार्थ का विलयन। अब दूसरा प्रश्न हमारे पास ये है कि जब हमने क्रियाकलाप 1.7 किया था, तो उसमें एक ये था वैद्युत अपघटन पानी का, जल का वैद्युत अपघटन। तो जल का वैद्युत अपघटन जब हमने किया था, उसका इलेक्ट्रोलिसिस जब हमने किया था, तो हमने देखा था कि एक परख नली में गैस की जो मात्रा है वो दूसरी परख नली से दुगनी है, और यह भी हमने देखा था कि जिस परख नली में मात्रा दुगनी है, वो परख नली का जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के अंदर जो मात्रा है गैस की वो दुगनी है, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, जो धनात्मक इलेक्ट्रोड है, उसके ऊपर ये कम है। तो ऐसा क्यों है? तो यहां पर हमारे पास ये दोनों गैस की मात्रा अलग अलग क्यों है? होता यह है कि जब जल का वैद्युत अपघटन किया जाता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनते हैं। यदि हम जल के सूत्र की बात करें, तो जल का सूत्र है हाइड्रोजन H2O। तो यहां पे साफ दिखाई दे रखा है कि हाइड्रोजन हमारे पास दो है, तो ऑक्सीजन एक है, तो हाइड्रोजन की मात्रा जल के सूत्र में ऑक्सीजन से दुगनी है। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है, तो यह भी आवश्यक है कि जल जो हाइड्रोजन की मात्रा होगी वो ऑक्सीजन की मात्रा की दुगनी होगी। तो यही होता है। तो पानी में दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन होता है। क्योंकि हाइड्रोजन एक परख नली में जाता है और ऑक्सीजन दूसरे में जाता है, तो इस एक परख नली में एकत्र गैस हाइड्रोजन की मात्रा दूसरी परख नली में एकत्र गैस से, जो कि ऑक्सीजन है, उसकी मात्रा का दुगना ही होगा। तो हाँ, जल के वैद्युत अपघटन के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। पानी में दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन होता है। इसका रासायनिक सूत्र H2O है। चूंकि हाइड्रोजन एक परख नली में जाता है और ऑक्सीजन दूसरे में जाता है, इसलिए एक परख नली में एकत्र गैस हाइड्रोजन की मात्रा दूसरे में एकत्र की गई गैस के ऑक्सीजन की मात्रा का दुगना है। और ये हम हाइड्रोजन है इससे का इस बात से पता लगा सकते हैं कि अगर इसके एक जलती हुई मोमबत्ती इन दोनों परख नलियों के मुंह पर लेके आई जाए, तो उसमें अगर जहां पे ऑक्सीजन है वहां पे मोमबत्ती एकदम से तीव्रता के साथ जलने लगेगी,
और दूसरी तरफ जो गैस परख नली में उसी में आग लग जाएगी, वो जलने लगेगी। तो ये हमारे पास अगला प्रश्न है।